हे गाइस अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रानिया, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है सिख बच्चे ने इस्लाम कबूल किया तो उसके साथ क्या हुआ। देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखते हैं इस बच्चे के लाइफ में कैसे इस्लाम आया, ये कैसे इतना ज्यादा अट्रैक्ट हुए इस्लाम से कि अपने आप को रोक नहीं सके इस्लाम कबूल करने से। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक के देखना एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के कबूल इस्लाम की कहानी सुनाएंगे जिसके वालिदैन तो सिख थे लेकिन अल्लाह ताला ने उसे इस्लाम की बरकत और नेमतों से नवाज दिया था और उसे वक्त का शेखुल कुरान और इमामुल औलिया बना दिया था। दोस्तों इमामुल औलिया हजरत मोहम्मद अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला सिख घराने से थे। इस्लाम कबूल करने के बाद आपने दारुल उलूम देवबंद में दाखिला ले लिया। ये फरमाया करते थे कि मेरे ससुर बड़े ही समझदार आदमी थे, उन्होंने अहमद अली को उस वक्त पहचाना जबकि अहमद अली भी नहीं था। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी दोस्तों ये विलायत कुबरा के मकाम के लोगों में से थे, मुस्तजाबुद दावात बुजुर्गों में से थे और उनका दरस कुरान बहुत ही मकबूल था। ये बहुत माने हुए गैर मुतनाजा शख्सियत थे। अपनी शादी का वाक्या सुनाते हुए कहा, मेरे ससुर को सास ने इत्तला दी कि हमारी बेटी की उम्र पूरी हो गई है, कोई मुनासिब रिश्ता हो तो इसका फर्ज निभाइए। तो मेरे ससुर पंजाब के मदारिस में अपनी बेटी के लिए मुनासिब बच्चा ढूंढने के लिए निकले। मदारिस में राउंड करते करते बिल आखिर दारुल उलूम देवबंद में पहुंचे। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ताला के खुसूसी दोस्त थे, उनसे मुलाकात हुई तो दौरा हदीस के तलबा पर नजर डाली, फौरन उनकी नजर मेरे ऊपर अटक गई। उन्होंने शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ताला से पूछा कि ये बच्चा शादीशुदा है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं इसे कौन लड़की देगा, ये सिख घराने का लड़का है और यहाँ कई दफा पढ़ने के लिए बैठा होता है, तो उसकी माँ जो सिख धर्म से हैं वो आती हैं इसे गालियाँ निकाल कर चली जाती हैं और ये चुप रहता है बेचारा कि कल असर के बाद हम इनका निकाह पढ़ा देंगे। फरमाने लगे कि मैं कमरे में आ गया, अब मैंने अपने दोस्तों को बता दिया कि भाई कल मेरा निकाह होना है, लिहाजा ये खबर जंगल की आग की तरह सब लड़कों में फैल गई। अब लड़के आना शुरू हो गए, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। एक ने कहा, भैया बात यह है कि ये जो तुमने कपड़े पहने हुए हैं ये तो बहुत मैले कुचैले पुराने कपड़े हैं, तुम किसी से उधार लेकर दूसरे पहन लो। मैंने कह दिया, भाई बात यह है कि मैंने कभी किसी से उधार नहीं मांगा, जो है मेरे अपने हैं, मैं किसी से लेकर नहीं चलता। साथी ने कहा, अच्छा अगर आप किसी से उधार नहीं मांग सकते तो मत मांगिए, ऐसा करें कि कल इन कपड़ों को आप धोकर साफ करके फिर पहन लेना, मजमे में कम से कम साफ कपड़ों में तो बैठोगे ना। फरमाने लगे, मेरी बदबख्ती आ गई थी कि मैंने हाँ भर ली। अगले दिन सबक खत्म हुआ तो मैंने धोती सी बांधी और कपड़े उतार कर उनको धो डाला। अल्लाह की शान देखिए, सर्दियों का मौसम ऊपर से बादल आ गए, अब जोहर का वक्त भी करीब आ गया और मेरे कपड़े गीले। मैं मस्जिद के पीछे जाकर कपड़ों को लहरा रहा था और अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ऐ अल्लाह मेरे कपड़े खुश्क कर दे, वो तो ना होने थे ना हुए और जोहर की अजान हो गई। अब मुझे मजबूरन गीले कपड़े पहनकर सर्दी के मौसम में मजमे में बैठना पड़ा। अब सब कहने लगे कि जी दुल्हा कहाँ है। अब सबकी नज़र मुझ पर पड़ी और पता चल गया कि इसके तो कपड़े गीले हैं और सर्दी में पहनकर बैठा हुआ है। फरमाने लगे, मेरे ससुर को अल्लाह ने वो सोने का दिल दिया था कि उन्होंने देखा कि कल यही कपड़े थे और मैले थे और आज भी यही हैं और गीले हैं। इसका मतलब ये है कि इस बच्चे के पास दूसरा जोड़ा भी नहीं है। उनके दिल पर इस बात का कोई असर ना हुआ, वो तो मेरी पेशानी के नूर को देख रहे थे। दोस्तों मर्दे हक्कानी की पेशानी का नूर कब छुपा रहता है। उन्होंने मेरा निकाह पढ़ा दिया, मैं फारिग हो गया दौरा हदीस से और रुखसती हो गई। तो जब मैं बीवी को ले आया तो इब्तिदाई के एक दो महीने मेरे पास रही और उनमें भी उसे फाका करना पड़ा क्योंकि मेरे पास तो कुछ होता ही नहीं था, जो मिलता हम दोनों खा लेते वरना फाका से दिन गुजारते। महीने के बाद वो अपने मायके गई जैसे बच्चियाँ जाती हैं। शादी के बाद तो फरमाते हैं कि जब वो अपने घर गई तो उसकी माँ ने पूछा, बेटी तूने अपने घर को कैसा पाया,
अब वो इतनी तकिया पास बाग बच्ची थी अपनी माँ से कहने लगी कि अम्मी मैं तो सोचती थी कि मर कर जन्नत जाएंगे, लेकिन मैं तो जीते जागते जन्नत में पहुँच गई हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतनी साबिरा और शाकिरा थी, कहने लगे बस फिर अल्लाह ताला ने मेरे घर में बरकत देनी शुरू कर दी। दोस्तों जब खाविंद ऐसा हो और बीवी ऐसी हो तो फिर बरकतें क्यों ना होंगी। चुनांचे हजरत फरमाने लगे, एक वो वक्त था जब खाने को नहीं मिलता था और एक आज अहमद अली पर वो वक्त है कि मेरे खाने के लिए ताइफ से फल आते हैं। और फिर उन्होंने फरमाया कि सरगोधा के इलाके के बड़े बड़े लोग जो सरगोधा के कलियार हैं उनकी बीवियां आज मेरे घर में आकर बरकत के लिए झाड़ू देकर जाती हैं। इतने बड़े लाइन लॉर्ड की बीवियां बरकत के लिए मेरे घर में आकर झाड़ू दे रही हैं। आज अल्लाह का मुझ पर इतना करम है। दोस्तों इतनी अजीब बात है कि ऐसे घराने का बच्चा जिसका कोई अपना नहीं था, अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में ऐसी इज्जत अता फरमा दी। चुनांचे ये एक मशहूर वाकया है कि अपनी वफात के बाद वो उल्मा में से किसी बड़े आलिम को ख्वाब में नजर आए। उन्होंने पूछा, हजरत आगे क्या बना? तो हजरत कसरत से रोते रहा करते थे, खौफे खुदा हर वक्त दिल पर रहता था। फरमाने लगे, अल्लाह ताला के हुजूर पेशी हुई तो परवरदिगार ने फरमाया, अहमद अली तू इतना रोता क्यों था? कहने लगे, जब मुझसे पूछा गया तो मुझे ख्याल आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिससे हिसाब किताब में पूछ शुरू हो गई वो नहीं बचेगा, तो मैं डर गया। और जब मैं डरा तो परवरदिगार ने फरमाया, अहमद अली अब भी डर रहे हो? आज तुम्हारे डर का नहीं खुश होने का दिन है। हमने तुम्हें माफ कर दिया और जिस कब्रिस्तान में तुम्हें दफन किया वहाँ के सब गुनाहगारों को भी माफ कर दिया। चुनांचे उनकी कब्र की मिट्टी से खुशबू आया करती थी। हजारों इंसानों ने उनके कब्र की मिट्टी उठाकर घर ले जाना शुरू कर दी थी। तो उल्मा मुतवज्जा हुए, फिर उन्होंने मिलकर मुस्तकिल दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह बस जो चीज जाहिर हो रही है इस जहूर को खत्म फरमा दे, वरना लोग मट्टी ही नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला ने इतने सुलह की दुआ को कबूल कर लिया, तब जाकर उनके कब्र से खुशबू आना बंद हुई। दोस्तों अल्लाह ताला इज्जतें अता फरमा देते हैं, जिसका अपना कोई नहीं होता सारी दुनिया फिर उसकी बन जाती है। जिसको खाने के लिए रोटी नहीं मिलती उसको खाने के लिए फिर ताइफ से फलाया करते हैं। माशाल्लाह आज के जमाने में तो ये आसान है, जब बहरी जहाज आते जाते थे उस जमाने में ताइफ से फल आना कोई आसान काम नहीं था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में इसे अता फरमा देते थे। जो अल्लाह का बनता है फिर अल्लाह ताला उसे अपना बना लेते हैं, जिसे अल्लाह अपना बना लेते हैं फिर इज्जतें उसके मुकद्दर बन जाती हैं। दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? सो गाइस ये था वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था रियली यार। उसने एक कदम बढ़ाया तो ऊपर वाले ने उसे बोलते ना कि यार अगर अल्लाह के तरफ आप एक कदम बढ़ाओगे तो वो आपके तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। तो सेम इनके साथ यही हुआ, ठीक है, इतनी सारी चीजें सहन करने पड़े और आजकल की डेट में ऐसा ही है। अगर कोई रिवर्ट हो रहा है, कोई इस्लाम में आ रहा है, तो लोग उसे सही ढंग से मतलब जज नहीं करते हैं। वो सोचते हैं यार ये शायद झूठ बोल रहा हो या ये सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा हो, हर कोई यकीन नहीं करता है। तो इनके भी लाइफ में ऐसे ही था, लेकिन वो जो इनके ससुर थे वो बहुत अच्छी तरीके से पहचान चुके थे, इन्हें जान चुके थे कि ये क्या चाहते हैं। और सही रास्ते पे आप चलोगे तो हमेशा आपका क्रिएटर आपके साथ रहेगा और आपको जो जो पहले जो बुरी चीजें थी उनसे ज्यादा अच्छी चीजें देंगे। तो जैसे कि इनकी वाइफ जो थी वो हमेशा शुक्र अदा कर रही थी, जबकि इनके पास खाने को नहीं था जब वो पहले शादी होके गई उनके पास, लेकिन फिर भी वो शुक्र अदा कर रही थी अल्लाह का। तो देखो फिर उसके बाद कैसी चीजें होती है। तो इस स्टोरी से मुझे एक चीज ये भी समझ आई है कि हमें हर हाल में अल्लाह का, अपने क्रिएटर का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे आपका कैसे भी सिचुएशन हो। सो गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।